नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में जहाँ पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट तेजस की तरफ से है और अभी हम तेजस एम के वाने के बारे में बात करने वाले हैं जो कि तेजस का फर्दर अपग्रेडेड वेरिएंट होने वाला है और अभी इसे लगभग 83 थ्री प्लस नाइन्टी यूनिट को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करने का फ़ैसला किया जा चुका है पिछले कुछ दिनों से तेजस एम के वाने की पहली टेस्ट फ्लाइट को लेकर काफ़ी चर्चा चल रहा था और इस बीच इसकी लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी टैक्सीटाइल भी कम्पलीट हो चुकी थी और आज फाइनली इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया गया इसे आज बेंगलोर में मौजूद एच की टेस्ट फैसिलिटी से कंडक्ट किया गया था ये शॉर्टेज एक कंप्लीट सक्सेस था और ये करीब अठारह मिनट तक चला था इस दौरान एच के टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन के के वेणुगोपाल तेजस एम के वाने को उड़ा रहे थे अब इसके साथ ही एच की तरफ से तेजस एम के वाने की पहली टेस्ट फ्लाइट की कई इमेजेस और वीडियोज को भी पब्लिक किया गया था वैसे आप सबको पता होगा कि तेजस एम के वाने में तेजस एम के वन के मुकाबले

को भी चेंज किया गया इसके साथ ही एक और बड़ी विजुअल चेंजेस है जो कि तेजस एम के जोजन में नोटिस किया गया जो मेन कैनोपी में नोटिस किया गया था क्योंकि अभी तेजस एम के की जो कैनोपी सेक्शन है उसकी रियर साइड में थोड़ा बल्ज नोटिस किया जा रहा है जो कि थोड़ा सा वाइडर भी लग रहा है जबकि तेजस एम के वन में ये रिलेटिवली फ्लैट हुआ करता था और एकदम से एयर फ्रेम के साथ फिट हो जाता था लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा बल्ज नोटिस किया जा रहा है और हो सकता है इससे पायलट की विजिबिलिटी थोड़ा बेहतर होने वाला और इसके अलावा इसकी जो एयर इंटेक्स सेक्शन है उसको भी थोड़ा थोड़ा बड़ा बनाया गया ऐसा नोटिस किया जा रहा है अगला अपडेट स्पाइपलेन को लेके जिसके अंदर हमारे सिग्नल इंटेल्स एयरक्राफ्ट या कम्युनिकेशन जैमर एयरक्राफ्ट आ जाते हैं अब इस कैटेगरी के अंदर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तीन नए एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने का प्लान किया गया था जिनको इंडिजिनली मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर बनाने का प्लान किया गया था अब जैसे कि इसे इंडिजिनसली डेवलप करने का प्लान किया गया था तो इसमें जो मेन डेवलपमेंट का पार्ट होगा वो तो डीआरडीओ की तरफ से किया जाने वाला था और इस प्रोजेक्ट को इनिशियली 2019 में लॉन्च किया गया था जिसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक ऐसे एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने का प्लान किया गया था जो कि दुश्मन की साइड में होने वाली रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को कैच कर सके और उसको एनालाइज कर सके जिससे दुश्मन की कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट भी किया सकेगा और उनको जैम भी किया जा सके और उनके रडार्स की पोजिशन के बारे में भी हमको पता लग जाएगा जिसके हमारे पास दुश्मन के कंप्लीट डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी का मैप मौजूद होगा अब सिग्नलेंस एयरक्राफ्ट को, को, को डेवलप करने के लिए कोशिश किया जा रहा है इसके लिए बेस के तौर पर एन नाइन एयरक्राफ्ट को अकबर किया गया था और इसे अभी सिग्नल इंटेलेंस और कम्युनिकेशन जैमिंग एयरक्राफ्ट के तौर पर मॉडिफाई करने की कोशिश की जा रही है अब इसमें अभी के लिए भारत के पास एक बहुत ही बड़ी अच्छी खबर ये कि भारत को अभी अपनी खुद की सिग्नल इंटेलेंस एयरक्राफ्ट यानी कि प्लेन को डेवलप करने के लिए कुछ फॉरेन फर्म्स की तरफ से भी मदद करने का ऑफ़र दिया जा रहा है जिसमें यूएस की एफ थ्री हैरिस और फ्रांस की थेल्स ग्रुप भी शामिल है और ये दोनों अभी भारत को सिग्नल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन जैमिंग एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए ज़रूरी अव्यूनिक्स और सेंसर्स को डेवलप करने में मदद करने की बात कर रहे हैं और अपनी अपनी एक्सपर्टीज को भारत के साथ शेयर करने का ऑफ़र दे रहे हैं अब हालांकि डीआरडी अपने दम पर भी ऐसे सिस्टम को डेवलप करने की काबिलियत रखता है लेकिन फिर भी अगर ये दोनों हमको अपनी अपनी एक्सपर्टीज में मदद करते हैं तो इससे डीआरडीओ को नेक्स्ट सिग्नल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन जैमिंग एयरक्राफ्ट के लिए डेवलप किए जाने वाले सब सिस्टम्स और सेंसर पैकेज को बनाने में जितना समय लगने वाला था उसको काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है और इसको जल्दी तैयार किया जा सकता है अगला अपडेट रफाल की तरफ से जो कि वर्तमान इंडियन एयरफोर्स की सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है अब भारत के पास जो रफाल मौजूद है वो एफ थ्री आर स्टैंडर्ड की है लेकिन इसके बाद रिसोल्ट की तरफ से भी इसकी एक और वेरिएंट को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा था जो कि रफाल का एफ फोर वेरियंट होने वाला था

सिचुएशनल अवेयरनेस को बेहतर करने के साथ साथ उनकी टारगेटिंग एक्यूरेसी को बेहतर करने वाला हट पे मौजूद सारी डाटा को उनकी हेलमेट में दिखाने वाला है साथ ही पायलट जहां पर भी देखेगा उस टारगेट को या लॉक करने में उसको मदद करने वाला है। जिससे होगा क्या कि मैनुअली कुछ टारगेट को लॉक करने में जो टाइम बर्बाद होगा वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा इसके अलावा अभी रफाल में ए एस एम वन सकेगा जो कि रफाल की एग्जिस्टिंग वेपन पैकेज को फर्दर एक्सपेंड करने वाला है इसके बाद रफाल की जो डाटा फ्यूजन टेक्नोलॉजी है उसको भी काफी हद तक अभी बेहतर किया जा रहा है और इसमें एक रफाल जो भी देखेगा वो सेम डाटा को वो बैटल में मौजूद अपनी किसी भी फ्रेंडली यूनिट के साथ शेयर कर पाएगा अब एफ फोर के अपग्रेड के बाद डसॉल्ट की तरफ से अभी एफ़ फोर पॉइंट टू अपग्रेड पर भी काम करना स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें रफाल की एग्जिस्टिंग टारगेटिंग सिस्टम नेटवर्क सेंटिंग वॉलफेयर सिस्टम और डाटा फ्यून टेक्नोलॉजी को और भी बेहतर करने की बात की जा रही है जो कि इसकी एफ़ फोर पॉइंट टू अपग्रेड के साथ आने वाला है और इस अपग्रेड पैकेज को आने वाले पाँच साल के अंदर डसॉल्ट की तरफ से लॉन्च किया जा सकता है तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम